हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान अर्जन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित। काफी दिनों से बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि सर, मैंने फाइवर पर अकाउंट बनाया है, मैं यहां पर ऑलरेडी गिग्स को मैंने पब्लिश किया है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। कोई ये लिखता है कि सर, मैं यहाँ पर 6 महीने से वेट कर रहा हूँ, मेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि सर, मैंने यहाँ से इतने पैसे कमा लिए हैं, सर मैं यहाँ पर अच्छा खासा जो फाइवर का ऑर्डर मैं यहाँ पर ले पा रहा हूँ। तो आज हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि फाइवर पर किस तरीके से ज़्यादा ऑर्डर को एक्वायर किया जाए। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि किसी के गिग को सुपर गिग बनाती है और वो लोग बहुत सारे यहाँ पर ऑर्डर ले जाते हैं और बहुत ढेर सारे पैसे कमाते हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपके गिग को सुपर गिग नहीं बनाती और आप महीनों तक इंतजार कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग रिसर्च करेंगे, देखेंगे कौन कौन से गिग्स का डिमांड ज़्यादा है, कौन कौन से गिग्स ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, और जो ज़्यादा परफॉर्म कर रही है उनमें ऐसी कौन सी फैक्टर्स है जो कि उन्हें ऊपर लेके जा रही है। क्योंकि सपोज अगर कोई एक गिग, चाहे वो लोगो रिलेटेड हो, डेटा एंट्री हो, कंटेंट राइटिंग हो या फिर कुछ भी हो, एक ऐसी बात नहीं है कि कोई एक इंसान वहाँ पर गिग्स को वहाँ पर रजिस्टर किया है। हजारों लोगों ने गिग्स को रजिस्टर किया लेकिन उसमें से कुछ गिग्स परफॉर्म कर रही है और कुछ गिग्स नहीं। तो ये जानेंगे कि जो गिग्स परफॉर्म कर रही है उन्होंने ऐसा क्या वहाँ पर ऐड किया है, उन्होंने किस तरीके से गिग्स को डिज़ाइन किया है, क्या वहाँ पर काम किया उन्होंने जिससे ये गिग्स उनके सुपर गिग्स बन रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये एक वीडियो जिसमें रिसर्च वर्क होगा, यहाँ पर हम लोग गिग बनाना सीखेंगे, गिग के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी, अलग अलग लोगों के गिग्स को देखेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा और आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि मैं हर गिग के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो जाहिर सी बात है कि हर गिग्स में कुछ ना कुछ स्पेशल बातें होंगी जो कि मैं यहाँ पर बताऊँगा। अगर आप कोई भी बात को यहाँ पर मिस कर रहे हैं तो हो सकता है शायद वो आपके गिग को सुपर गिग बनाने के लिए जरूरी थी लेकिन आपने उसे मिस कर गया। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप यहां से सीख सकें और आप यहां पर गिग्स को, अपना गिग्स को रैंक करवा सकें। उससे भी पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट मेरे पास आए हैं जैसे कि सर, मैंने ऑलरेडी गिग डाल दिया है, 2 दिन हो गए हैं या फिर 1 हफ्ते हो गए हैं। तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि आपने आज ही गिग्स डाला और कल ही आपका गिग्स में ऑर्डर आ जाए। ये बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेस की तरह है। सपोज कि आप किसी मार्केट में एक नया शॉप खोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शॉप खोल के रखे हुए हैं जिनका कि ग्राहक बंधा हुआ है। तो आपने आज ही शॉप खोला और आज ही आपके पास ऑर्डर आ जाए, ये जाहिर सी बात है कि ऐसा संभव बहुत ही कम होता है। तो आपको इंतजार करना पड़ता है, धीरे धीरे लोग आपके शॉप को देखते हैं, लोग की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्यूरियोसिटी बढ़ने के बाद लोग इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऑर्डर आना शुरू होता है। तो फाइवर में भी सेम चीज़ है, केवल फाइवर नहीं, आप चाहे किसी भी वेबसाइट में चले जाएं, अपवर्क, freelancer.com, peopleperhour.com या फिर अपना अपना पर्सनल वेबसाइट हो या जो भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन से अलग नहीं है। नॉर्मल बिजनेस नेचुरल बिजनेस से ऑनलाइन अलग नहीं है, बस फर्क यह है कि नॉर्मल बिजनेस में आप अपने लोकल एरिया और लोकल पीपल को लेकर करते हैं और यहाँ पर आप पूरे वर्ल्ड के साथ कर सकते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, पैसे कमाने का जो संसाधन है वो बढ़ जाता है और एक बहुत बड़े फील्ड में आप कर रहे हैं तो यहाँ पर पैसे की जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए मैं आपको पहले ब्राउजर की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पर मैं और भी बहुत सारे बातें करूँगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया रिसर्च वर्क भी यहाँ पर होगा। तो चलिए पहले हम लोग ब्राउजर की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये है मेरा जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया था, इसके पहले आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक गिग बनाया था। तो ये मेरा अकाउंट है प्रो डिजिटल स्किल, जैसे आप देख रहे हैं प्रो डिजिटल स्किल, और आज यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर नया ज्वाइन कर रहे हैं मेरे चैनल को, मेरे इस यूट्यूब वीडियो को नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और जो लोग इससे पहले भी मेरे वीडियो को देख चुके हैं लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मुझे सेंड किए हैं, तो मैं उन लोगों को सबसे पहले आज मेरा यूट्यूब के चैनल पर जो फाइवर रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोज़ डाला है मैं पहले वो सब दिखाऊँगा ताकि
आप लोगों को जो क्वेरीज है वो क्वेरी का यहाँ पर आंसर मिल सके। आइए पहले मैं आपको अपना यूट्यूब का चैनल पर ले जाता हूँ, जहाँ पर कि बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेरीज ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर फाइवर रिलेटेड ऑलरेडी कौन कौन सा यहाँ पर वीडियो यहाँ पर मैंने पोस्ट किया हुआ है और किस किस वीडियो से आपको किस किस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो वीडियो है, डेटा एंट्री ऑन फाइवर कंप्लीट ट्यूटोरियल वाला जो है ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने यहाँ पर सब कुछ बताया, यहाँ पर केवल डेटा एंट्री नहीं, यहाँ पर डेटा एंट्री के अलावा भी आप कोई भी स्किल्स जानते हैं, आप कोई भी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे वो लोगो डिजाइनिंग हो, फोटो फोटोशॉप हो, वेब डिजाइनिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आपको सारे सवाल के जवाब यहीं पर मिल जाएंगे। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे पास आए थे, जैसे कि फाइवर को पेपैल से कैसे लिंक करना है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखें, हाउ टू लिंक योर पेपैल आईडी विथ योर फाइवर अकाउंट। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था, बेस्ट सेलिंग डेटा एंट्री गीक्स ऑन फाइवर, डेटा एंट्री रिलेटेड जो बेस्ट सेलिंग गीक्स है फाइवर में कौन कौन से हैं वो मैंने बनाया था यहाँ पर, आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने ये भी एक वीडियो बनाया था, हाउ टू गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर, हाउ टू गेट लॉट्स ऑफ ऑर्डर ऑन फाइवर, हाउ टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर, तो ये वीडियो भी आप लोग जरूर देखें। जबकि आप अगर आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद मैंने ये एक और वीडियो बनाया था, हाउ टू अर्न इनवाइटिंग फ्रेंड्स ऑन फाइवर, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके किस तरीके से आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। कुछ और कमेंट्स आए थे मेरे पास, जिसमें बायर्स रिक्वेस्ट क्या है, उसके वहाँ पर बायर्स रिक्वेस्ट में क्यों शो नहीं हो रहा है कोई रिक्वेस्ट, उसके रिलेटेड आंसर दिया था मैंने। अलग अलग फाइवर अकाउंट, मल्टीपल फाइवर अकाउंट के बारे में मैंने यहाँ पर बताया था, फाइवर पेपल आईडी ऑन फाइवर कैसे ऐड किया था उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर जवाब दिया था। फाइवर में आपको अगर कोई स्किल्स नहीं आता है, आप अगर कोई भी मतलब कुछ भी, सपोज आप केवल कंप्यूटर का बेसिक जानते हैं लेकिन आपको कोई ऐसे स्किल्ड आप नहीं है जो कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सके, तो भी आप यहाँ पर लाखों कैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, अर्न फ्रॉम फाइवर लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम फाइवर एवरी मंथ। और मैंने यहाँ पर कुछ लाइव प्रूफ भी दिखाया था कि कितना यहाँ पर फाइवर में कितनी की अर्निंग हो सकती है, यहाँ पर कितना कमाया गया, ये मैंने मेरे फ्रेंड्स के अकाउंट्स से भी यहाँ पर दिखाया था, अपना अकाउंट्स दिखाया था, फ्रेंड्स के अकाउंट्स को भी यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पर लोग लाखों कमा रहे हैं, वो लाइव प्रूफ मैंने दिखाया था, यहाँ पर अर्निंग का प्रूफ मैंने दिखाया था कि फाइवर पेमेंट करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और वीडियो बनाया था कि फाइवर का जो मतलब डेली कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर अचीव कर सकते हैं, आप अलग अलग सेलर्स जिनके पास बहुत सारे ऑर्डर मतलब पेंडिंग है जो कि क्यू में है, उनको आप अप्रोच करके उनके पास से भी ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के दौरान मैंने एक बात का जिक्र किया था कि आप कभी स्पैमिंग ना करें। फिर भी जिन लोगों को ये पता नहीं कि स्पैमिंग क्या होता है, मैं बता दूं, सपोज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन इस बात को जान के रखिए कि आप जब भी किसी प्रो सेलर या फिर किसी दूसरे सेलर को आप अप्रोच कर रहे हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो आप कुछ काम मुझे दे दें और मैं ये कम रेट पर करूँगा, तो उस सेलर से केवल आप कॉन्वर्सेशन करें, इनिशियली अपना गिग का कोई लिंक उनको शेयर ना करें, पहली बात। और दूसरी बात, जो कॉन्वर्सेशन है वो कॉन्वर्सेशन नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक स्पैमी कॉन्वर्सेशन होता है, केवल अपनी बात पूछ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आपके मैसेज में। और तीसरी बात ये कि आप अलग अलग सेलर्स को आप अप्रोच कर रहे हैं, सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट ना करें, वरना आपका अकाउंट को स्पैम जानकर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान बिल्कुल रखें इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को फॉलो करने के वक्त। तो ये सारे वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर मेरे चैनल पर हैं, यहाँ से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, अर्निंग प्रूफ लाइव प्रूफ देख पाएंगे आप कि लाखों लोग यहाँ पर कमा रहे हैं, ये सब 22 लाख 20 लाख रुपए यहाँ पर ऑलरेडी हैं, मैंने ये प्रूफ दिखाया यहाँ पर। उसके बाद अलग अलग मैंने यहाँ पर टॉपिक्स के बारे में चर्चा की, किस तरीके से कमा सकते हैं, कैसे यहाँ पर गिग्स बना सकते हैं, कैसे यहाँ पर ऑर्डर ला सकते हैं, तो सब कुछ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो
पहले ये सब वीडियो आप देख लें, यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेरीज का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी बात है कि लोगों को कुछ लोगों को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और कुछ लोगों को महीनों 6 महीनों तक कोई ऑर्डर ही नहीं मिलता। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बात का जिक्र और करूँगा कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर मेरा ये क्वालिफिकेशन है, मेरे इस तरह के स्किल्स हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कंप्यूटर आता है, ये कोई बोलता है मैं MSc हूँ, तो मुझे यहाँ पर फाइवर में कौन सा सर्विस देना चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्किल हैं तो आप उस गीक को उसका आप गीक बना के यहाँ पर सर्विस दें। हर चीज़ की यहाँ पर डिमांड होती है, यहाँ पर हर चीज़ के लिए क्लाइंट है, लेकिन डिमांड में कम और ज़्यादा वाली बात ज़रूर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर लोगो डिज़ाइनिंग जो है ये आपको नज़र आएगा। ये हम लोग देख लेते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइनिंग वाला जो फैक्टर, लोगो डिज़ाइनिंग में यहाँ देखिए लोग $20 में भी सर्विस दे रहे हैं, कोई देखिए $2,400 में भी सर्विस दे रहा है। इनका थोड़ा हम लोग गिग ओपन करके देखते हैं। एक ऑर्डर का कीमत है $2,400, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ऑर्डर का कीमत है $2,400, इसमें वो 3 डिजाइन देंगे, इसके बाद 5 डिजाइन वाला जो लोगो है वो देंगे $2,750 में, और प्रीमियम 5 डिजाइन वाला देंगे जो कि $3,500 में। तो फाइवर में ऐसा भी होता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली इन्होंने 22 क्लाइंट्स को डिलीवर कर दिया है। चलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि इनको ये 22 सेलर्स ने ही $2,400 वाला ऑर्डर दिया है, किसी ने भी ये स्टैंडर्ड या प्रीमियम ऑर्डर नहीं दिया है, चलिए यही मान के चलते हैं। तो 2400 × 22 = $52,800 $52,800 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ताकि पता चल जाए, ये $10,560 ये चला जाएगा फाइवर का कमीशन। फाइवर इतने की कमीशन ले लेगी इसमें से। तो चलिए इसे हम लोग माइनस कर लेते हैं, माइनस 52,800, मतलब इन्होंने कमाया है $42,240। तो अब हम लोग इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉलर 42,242 INR, 28,42,118.40 रुपये। केवल 22 ऑर्डर को कंप्लीट करके इन्होंने कमाया है $28,42,118। अब जिनको ये यकीन नहीं हो रहा है कि फाइवर पेमेंट करती है, इतना कोई कमा सकता है, तो वो लोग, मैंने थोड़ी देर पहले जो अपना एक वीडियो का ये दिखाया जहाँ पर लाइव प्रूफ मैंने दिखाया, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि फाइवर पेमेंट करती है, मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है। फर्क इतना है कि कोई इसे 3-4 साल में कमा रहा है तो कोई केवल 22 ऑर्डर को कंप्लीट करके इतना कमा रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं कि हर किसी क्लाइंट ने एक ही ऑर्डर दिया है, मतलब फाइवर में ये ऑप्शन है कि सपोज अगर मैं इन्हें ऑर्डर देना चाहूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर दिया जा सकता है। चलिए पहले मैं यहाँ पर बेसिक ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। बेसिक ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्वांटिटी शो हो रही है, तो क्वांटिटी में अगर मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है तो मैं 1 करूँगा। आप यहाँ पर इसका देखिएगा कि ये मतलब आपको कितने की आपका अमाउंट कितना हो रहा है, आप यहाँ पर बिल्कुल देखिएगा कि कितने की अर्निंग हो सकती है। सपोज मुझे 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा तो ये 4,800 है। उसी तरह अगर मुझे यहाँ पर 10 या 20 की रिक्वायरमेंट है तो मुझे यहाँ पर $24,000 का ये ऑर्डर हो सकता है, मतलब एक ऑर्डर अकेला ही $24,000 का हो सकता है, मैक्सिमम 20 ऑर्डर, तो एक ऑर्डर अकेला ही 48,000 का हो सकता है। अब अगर ये मान के चले कि किसी क्लाइंट ने एक ऑर्डर को दिया है, किसी कोई क्लाइंट ने 2 ऑर्डर दिया है, कोई क्लाइंट ने प्रीमियम दिया है, कोई क्लाइंट ने स्टैंडर्ड दिया है, तो वो हम लोगों को कैलकुलेशन से कहीं ज़्यादा उनकी अर्निंग है। ये हम लोग 28,000 जो लाख जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये बस
बेसिक जो ऑर्डर है उसको कैलकुलेट किया हमने, वो भी एक क्लाइंट एक ऑर्डर को कैलकुलेट किया, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने अभी तक शायद 50 या 80 लाख भी इन्होंने क्रॉस कर दिया हो, तो खैर वो बात की बात है। हम लोगों ने एक बेसिक कैलकुलेशन किया और ये अमाउंट कम नहीं है, तो यहाँ पर ये पैसे लोग कमाते हैं। आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो इसके रिगार्डिंग डाल के रखा हुआ है कि मैंने 4 अलग अलग अकाउंट से दिखाया है कि लोग पैसे कमाते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किसको कितना ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर क्यों मिल रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके पास 1K+ ये रिव्यू है, ये 1K+ रिव्यू है, इनके पास 1K+ रिव्यू है, इनके पास भी 1K+ रिव्यू है, इनके पास 22 है। और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इनके पास भी 1K+ रिव्यू है, इनके पास भी 1K+ रिव्यू है। अब इस चीज से ये साबित होता है कि आप जो गिग को जो सिलेक्ट करेंगे, आप कौन सी सर्विस देना चाहेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि लोगो डिजाइनिंग बहुत ही डिमांडिंग सर्विस है। ये अगर आपको लोगो डिजाइनिंग आता है तो बिल्कुल लोगो डिजाइनिंग करें, यहाँ पर सर्विस दें। अगर नहीं आता है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया कमेंट में कि मुझे कौन सा सीखना चाहिए, मुझे क्या सीखना चाहिए, कौन सा कोर्स सीखना चाहिए फाइवर पे काम करने के लिए। तो बेहतर है कि आप फोटोशॉप, लोगो डिजाइनिंग, कॉरल ड्रॉ ये सब आप सीखें, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखें, एनिमेशन सीखें। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर डिमांडिंग है, जिसके बहुत ज्यादा डिमांड है। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो एक सवाल ये था जिसका कि मैं कौन सा सर्विस यहाँ पर दूं, तो बेस्ट है कि आप लोगो डिजाइनिंग का सर्विस यहाँ पर दें। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई $600 में भी सेल कर रहा है, तो कोई $5 में सेल कर रहा है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक फैक्टर ये आती है कि ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग एट $5, इनके पास 1000 से ज्यादा रिव्यूज है। ये भी $5, इनके पास 1000 से ज्यादा रिव्यू है। ये $10, इनके पास 1000 से ज्यादा रिव्यू, लेकिन ये $970 है तो इनके पास 12 है। और जैसे कि यहाँ पर था 2400 तो इनके पास 22 है। इसका मतलब आपका रेट जितना कम रहेगा, आपका जो ऑर्डर का संख्या है वो बहुत ज्यादा रहेगा। इसका मतलब आप जितना लो चार्ज करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि अगर आप लो चार्ज करते हैं और आपके पास ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, तो भी आप ज्यादा काम करके आप पैसा कमा रहे हैं, कोई कम काम करके पैसा कमा रहा है। अब जैसे कि देखते हैं इनका, आई विल क्रिएट ए वर्ल्ड क्लास लोगो $10,000 इनका। देखिए इनके पास फिलहाल एक ऑर्डर है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रेट रखते हैं और आप यहाँ पर कैसे कितना कमाते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि इस कैटेगरी में ही देख लें, क्योंकि कोई एक कैटेगरी के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो सारे के सारे कैटेगरी के लिए फॉर्मूला सेम लागू होता है। हम लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए कि किसके पास ऑर्डर ज्यादा है और उन्होंने क्या काम यहाँ पर किया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है टाइटल की। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आई विल डिजाइन 2 लग्जरी प्रीमियम बिजनेस लोगोज इन 24 आवर। अब जैसे कि यहाँ पर टाइटल में इन्होंने मेंशन किया कि 24 आवर, इसका मतलब ये 24 आवर्स में ये सर्विस अपना दे रहे हैं। तो ये जो है ये एक विन विन फैक्टर हो जाता है। ये जो 24 आवर्स, मतलब हर कोई चाहता है मुझे जल्दी से जल्दी मेरा काम डिलीवर हो जाए। तो ये जो सेलर है ये 24 आवर्स में क्योंकि काम डिलीवर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा इनके पास अट्रैक्ट होंगे और क्लाइंट इन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे सेलर यहाँ पर, ये भी 24 आवर्स में दे रहे हैं तो इनके पास भी वही है। बस फर्क इतना है कि इन्होंने $20 में सेल कर रही है और ये $10 में सेल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कम इनकम करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा इनकम करेंगे। उसके बाद आपको मैं ये भी दिखा दूं कि यहाँ पर जैसे कि देखिए इनका ऑलरेडी 26,233 जो इनका ऑर्डर ऑलरेडी इन्होंने डिलीवर कर दिया है, और 293 ऑर्डर्स इन क्यू। इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कितना ज्यादा डिमांडिंग है ये, और इनके पास इतना ज्यादा ऑर्डर क्यू में इसलिए है क्योंकि इन्होंने 24 आवर्स में डिलीवरी देने का प्रॉमिस किया है, और यही वजह है कि इनके पास ये क्यू में इतना ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर इनके पास आ रहा है। अब चलिए हम लोग देख रहे थे कोई एक नॉर्मल, इनके पास भी 1000 रिव्यू है 1K+, और इन लोगों के पास भी 1K+ रिव्यू है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इनका वाला देख लें, जिनके पास कोई, इन्होंने ये नहीं लिखा है कि 24 आवर्स में ये डिलीवर करेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। इनका देखिए, इनका बेसिक जो गिग है
ये यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं वन डे में, तो ये भी 24 आवर्स में ये डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर मेंशन नहीं किए कि 24 आवर्स में डिलीवर करेंगे, ये टाइटल में ये मेंशन नहीं किए। और इनके पास यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने ऑलरेडी 31,831 ऑर्डर को डिलीवर कर दिया, लेकिन 125 ऑर्डर्स इन क्यू है। अगर ये शायद यहाँ पर 24 आवर्स ये ज़्यादा मेंशन कि यहाँ पर मेंशन कर देते हैं टाइटल में, तो शायद इनके पास थोड़ा ऑर्डर का संख्या ज़्यादा हो जाता। अब यहाँ पर हम लोगों को ये जानना होगा कि गिग्स परफॉर्म क्यों करता है। गिग्स परफॉर्म करता है, थोड़ा एसईओ फैक्टर यहाँ पर काम करता है। जैसे कि यहाँ पर जो लोगो, ये लोग लोगो डिजाइनिंग का जो सर्विस है ये दे रहे हैं, तो ये लोगो जो वर्ड है ये लोगो कीवर्ड के हिसाब से काम करता है। और ये जितना टाइटल के स्टार्टिंग के तरफ होगा ये उतना ही ज़्यादा परफॉर्म करेगा, सर्च इंजन में उतना ही ज़्यादा आएगा। दूसरी बात यह है कि आपका जैसे जैसे आपका जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर रिव्यू बढ़ता जाएगा, तो आप सर्च इंजन पेज में आप ज़्यादा आने लगेंगे, फाइवर का जो अपना सर्च इंजन है वहाँ पर ज़्यादा आने लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम जो आती है वो ये कि पहला ऑर्डर कैसे मिले। सारे के सारे लोग इस बात पे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि मुझे पहला ऑर्डर नहीं मिल रहा है, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, मेरे पास पहला ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पहला ऑर्डर आने के लिए आपको पहली बात थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपको आप किसी भी फील्ड में आप सर्विस दे रहे हैं, तो आपको जैसे कि यहाँ पर सपोज अगर आप लोगो फील्ड में दे रहे हैं तो लोगो, या फिर यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं सर्विसेज, कोई भी सर्विस सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसलिए मैं यहाँ पर केवल लोगो वाला आपको बता रहा हूँ फिलहाल। आप यहाँ पर अगर सपोज आपका एक गिग इनमें से है जिसमें कि ऑर्डर नहीं आ रहा है या फिर ऑर्डर बहुत ही कम है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों के जो लोग टॉप रेटेड सेलर हैं यहाँ पर उनके गिग्स पर जाएं, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है। हर गिग को ओपन करके देखें, जिनके पास ऑर्डर में यहाँ पर जो क्यू ऑर्डर्स इन क्यू जो ज़्यादा है, तो उन्होंने ऐसा क्या लिखा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि उनके पास ऑर्डर ज़्यादा है। हो सकता है कि उन्होंने अपना जो रेट है वो रेट में ज्यादा कुछ ऑफर कर रहे हैं जो कि आप ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो उनके डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए कि वो क्या लिखे हैं। जैसे कि सपोज इन्होंने देखिए डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिखा है कि 5,100+ हैप्पी कस्टमर्स एंड 25,000+ फैंटास्टिक रिव्यूज, कांट बी रॉन्ग। तो ये जो एक टेक्स्ट जो उन्होंने ऐड किया है, ये किसी भी जो भी क्लाइंट आके इनका जो मतलब जो जब डिस्क्रिप्शन को जब हम रीड करेंगे तो पहले ही ये उनको एक इम्प्रेस कर देगा कि अच्छा चलो इनके पास ऐसा है। लेकिन आप एज ए न्यू कमर आप यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिख सकते, लेकिन आप एक चीज़ तो यहाँ पर ऐड कर ही सकते हैं। अगर आपको इस बात की कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप बिल्कुल आप काम को अच्छे तरीके से जानते हैं, आप जानते हैं कि आप काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, अगर आपको एक भी मौका दिया जाए, एक भी ऑर्डर दिया जाए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर को आप डिलीवर करेंगे काम करके, और क्लाइंट खुश हो जाएगा, तो आप यहाँ पर एक ट्रिक्स तो आजमा ही सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज को गौर करेंगे, जैसे कि यहाँ 51,000+ हैप्पी कस्टमर्स, इसका मतलब यह है कि 25,000 लोगों ने रिव्यू तो दिया है, लेकिन 51,000 लोगों ने या उससे भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर उनके उनसे काम करवाया। यहाँ पर हर कोई रिव्यू नहीं देता है। तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है। यहाँ पर आप मेंशन कर ही सकते हैं कि 5,000 हैप्पी कस्टमर्स आउटसाइड फाइवर, नाउ आई एम ट्राइंग ऑन फाइवर, इस तरीके से कुछ भी। मतलब मैं फाइवर में नया हूँ, लेकिन मैं खुद नया नहीं हूँ, मुझे इस काम की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और फाइबर के बाहर बहुत सारे कस्टमर्स को मैंने हैप्पी किया है, और आप मेरा सर्विस को ट्राई कीजिए एंड आई विल नॉट लेट योर एक्सपेक्टेशंस डाउन। तो इस तरीके का जो चीज़ है इसे अगर अपने डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। उसके बाद आप जैसे कि कुछ शब्दों का यहाँ पर अगर इस्तेमाल करें, आवर कमिटमेंट, ओके, कि आप क्या क्या यहाँ पर जैसे कि वो $50 के लिए क्या दे रहे हैं कमिटमेंट, वो यहाँ पर लिखे हैं। तो आप जैसे कि कोई भी सर्विस दे रहे हैं, कुछ भी जो सर्विस दे रहे हैं, तो आप उसके लिए आप क्या मतलब ऑफर कर रहे हैं, सपोज $5 में आप क्या ऑफर कर रहे हैं, $10 में क्या ऑफर कर रहे हैं, आप उस चीज को अगर यहाँ पर अगर डिटेल्स में अगर बता सकें कि क्लाइंट को उस चीज के लिए थोड़ा सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। जैसे कस्टमाइज प्रीमियम लोग इनको इस चीज को देखिए वो बोल्ड कर चुके हैं यहाँ पर, तो ये बोल्ड अगर आप करते हैं तो यहाँ पर इस चीज को क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा, मतलब आई कैचिंग बनाना होगा, क्लाइंट के नज़र में उन बातों को बढ़िया से समझाना होगा कि ये चीज़ है और ये क्लाइंट के नज़र में आना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर किसी चीज़ को देखिए बोल्ड और एक कलर कर दिया जाता है, ये देखिए हल्का सा बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है टेक्स्ट के पीछे, वो ऑप्शन गिग क्रिएट करते समय आपको मिलता है। और दूसरी बात को देखिए यहाँ पर जैसे कि जो सब मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको यहाँ पर बोल्ड किया गया है।
इसके बाद जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है थंबनेल की। तो आप थंबनेल जो बनाएंगे वो थंबनेल आपका क्रिएटिव होना चाहिए, थंबनेल का रंग ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों के नजर में पड़े। सपोज मैं जैसे आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो थंबनेल्स आप जितने देख रहे हैं उनमें से ये थंबनेल उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि ये है। मतलब ये आई कैचिंग है, आंखों में पड़ने वाला, लेकिन ये कलर कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये आंखों को भा रहा है, ये आंखों को उतना ज्यादा नहीं भा रहा है। तो अब जैसे कि यहाँ पर यह एक क्लियर मैसेज है, यहाँ पर क्लियर मैसेज के हिसाब से यहाँ पर ये क्लाइंट को एक लोगो का जो सैंपल ही यहाँ पर नजर आ रहा है, तो क्लाइंट यहाँ से अंदाज लगा लेंगे कि ये किस तरीके का लोगो बना सकता है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर एक सैंपल ही क्लाइंट को ऑलरेडी नजर आ रहा है। तो एक क्रिएटिव आपको कुछ जो इस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं तो एक क्रिएटिव आपको ये डिजाइन करना पड़ेगा, थंबनेल डिजाइन करना पड़ेगा। आप चाहे वो फोटोशॉप में करें, चाहे अपने फ्रेंड की मदद लें, चाहे आप किसी दूसरे से बनवाए, तो इस चीज को करना पड़ता है। जिससे क्योंकि एक बार आपको इसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी तब जाके वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऐसा नहीं कि बस आपने गिग बना दिया, अकाउंट बना दिया और आपके पास ऑर्डर आएंगे, क्लाइंट दौड़े हुए आएंगे, ऐसा नहीं है। क्लाइंट को लुभाना पड़ता है। नॉर्मल मार्केट का जो स्टाइल है बिल्कुल ऑनलाइन में सेम स्टाइल है। आप यहाँ पर ऑनलाइन में स्टोर खोले, बस फर्क इतना ही है, क्लाइंट को लुभाना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि आप जो ये मतलब कुछ भी सर्विस जो आप ऑफर कर रहे हैं उस सर्विस में आप ज्यादा से ज्यादा अगर क्लाइंट को ऑफर करेंगे, मतलब सपोज कोई $5 में जो दे रहा है, अगर मैं $5 में उससे ज्यादा दूं तो स्वाभाविक बात है क्लाइंट कंपेयर जब करेगा गिग्स को तो वो मेरे ही तरफ आएगा। तो जितना हो सके क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा ऑफर करें, ज्यादा से ज्यादा सर्विस ऑफर करें, पहले से ही लालच ना बढ़ाएं। पहले मतलब आपको पहले ऐसा करना है कि क्लाइंट को मतलब ऐसा लगे कि अरे ये $5 में तो मुझे शायद $25 का काम दे रहा है। आपको ऐसा काम करना है और यही चीज आपको तरक्की करके लेके जाएगा। वो सेलर, वो जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट खुद और 10 लोगों को बताएगा कि ये सेलर के पास जाओ, ये तो $5 में $25 या $30 का जो वैल्यू का काम दे रहा है। तो इस तरीके से क्लाइंट भी प्रमोट करते हैं। मतलब आपको पहले अपना जो भी स्किल्स है वो सारे के सारे स्किल्स क्लाइंट को देना है, मतलब फ्री में ऑफर करना है, बहुत कुछ ऑफर करना है। तो इसके बाद आपका वो अट्रैक्ट करने लगेगा क्लाइंट को कि आप फ्री में इतना कुछ दे रहे हैं जो कि, या फिर लो रेट में इतना कुछ दे रहे हैं जो कि दूसरे क्लाइंट्स नहीं, जो कि दूसरे सेलर्स नहीं दे रहे हैं। और ये चीज आपको अलग कर देगी लोगों से और धीरे धीरे लोगों के नजर में आएगा। सपोज अगर आप कॉन्टेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं तो इनिशियली लोग 300 वर्ड्स दे रहे हैं $5 में, तो आप वहां पर 600 या 700 वर्ड्स दीजिए $5 में, या फिर 1000 वर्ड्स दीजिए $5 में। ऑब्वियसली लोग आपके पास ही ज्यादा से ज्यादा आएंगे, आपको ही ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये ट्रिक्स होता है कुछ। प्लस आप अगर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप अगर जल्द से जल्द, कोई ऐसा लिखता है कि मैं $5 में 400 वर्ड्स दूंगा और उसके लिए 4 डेज लूंगा, और आप अगर 500 या 1000 वर्ड दे रहे हैं वहाँ $5 में, और उसके लिए आप अगर 1 डे या 2 डे ले रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपका वर्ड काउंट ज्यादा है, आपका जो ड्यूरेशन है ये कम है, आपका रेट कम है, तो क्लाइंट आपके पास ही आकर्षित होंगे। तो ये तरीका होता है कि क्लाइंट को ये करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। एक और चीज की जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि फाइवर खुद ब खुद प्रमोट करती है आपका गिग। अगर आप एक दिन में कम से कम आपके पास ऑर्डर ना आए, मैसेज ना आए, लेकिन फिर भी आप अगर 10 to 20 times अगर आप अपने फाइवर के अकाउंट में घुसते हैं, आप अगर थोड़ा ब्राउज करते हैं, तो फाइवर के पास ये रजिस्टर होता रहता है कि इस अकाउंट से बार बार लॉग इन हो रहा है। मतलब फाइवर आपको एक्टिव समझता है और फाइवर खुद आपके अकाउंट को, आपके गिग्स को प्रमोट करते रहता है कि शायद ये एक बिजनेस ला सके और मुझे कमीशन मिल सके। मतलब फाइवर की स्ट्रेटेजी है, फाइवर खुद कमीशन कमाना चाहता है। आप काम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो फाइवर कमीशन कमाएगा, और आप क्योंकि एक्टिव हैं, फाइवर के पास ये नोटिस हो रहा है कि आप एक्टिव हैं, तो फाइवर उम्मीद करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे और फाइवर ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमाएगा। तो इसलिए फाइवर भी आपके जो गिग है उसे अपने क्लाइंट के पास लेके जाएगा, उसके क्लाइंट के सामने डिस्प्ले करेगा। तो कोशिश करें कि आपके पास कोई मैसेज आए ना आए, आपका जो अकाउंट में आप लॉग इन करें, लॉग इन के साथ फिर बाद में निकलते वक्त लॉग आउट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने दिन में एक बार लॉग इन कर दिया उसके फिर लॉग आउट नहीं कर रहे हैं तो ये रजिस्टर नहीं हो रहा है। आपको लॉग इन भी करना है, उसके बाद काम खत्म होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट स्पेंड करने के बाद कुछ आप ब्राउज कीजिए, लोगों के गिग्स को देखिए, ये सब करने के बाद आपको फिर वहां से लॉग आउट करके भी निकलना है। आप जब वहां पर लॉग इन और लॉग आउट करेंगे तब फिर क्लाइंट के पास एक नोटिस,
तब फिर फाइवर के पास एक नोटिफिकेशन रहेगा कि ये जो कैंडिडेट है, ये जो सेलर है, ये कुछ करना चाह रहा है, ये मतलब ब्राउज कर रहा है कि कोई नया सेलर है कि नहीं, कोई नया क्लाइंट है कि नहीं, या फिर दूसरे सेलर्स के अकाउंट को आप ब्राउज कर रहे हैं। तो ये सारा के सारा चीज एक्टिविटीज को नोटिस किया जाता है, फाइवर इसे प्रमोशन करते हैं, फाइवर इस गिग को प्रमोट करते हैं। तो अपने अकाउंट में बार बार लॉग इन कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरी बात जो मैंने इसके पहले भी बताया था कि जब आप पहले बार बिल्कुल आपने जस्ट साइन अप किया है, आप बेसिक आप ये कर रहे हैं, मतलब आपने बेसिक अपना अकाउंट बनाया है, तो वहां पर आपको 7 गिग्स बनाने की छूट मिलती है। तो आप बिल्कुल 7 गिग्स बनाए, जैसे कि देख रहे हैं कि इनका अकाउंट में इन्होंने 4 गिग्स को बनाया है। इसका मतलब ये है कि आप 1 गीग लेकर अगर आप आगे चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए जैसे कि उन्होंने यहाँ पर लोगो रिलेटेड बनाया है, तो यहाँ पर उन्होंने जो वेक्टर इमेज उसको रिलेटेड बनाया है, कुछ यहाँ पर वेबसाइट डिजाइनिंग रिलेटेड बनाया है। तो इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ पर भी देखिए एक लोगो के रिलेटेड बनाया, तो लोगो के रिलेटेड इनके पास ऑलरेडी यहाँ पर देखिए 1 2 3 लोगो रिलेटेड इनके पास 3 गीग्स है। इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि सपोज मैं सर्च करते करते एज ए क्लाइंट मैं सर्च करते करते इस जो गिग है इस पर मैं लैंड करूं, या फिर कोई और इस गिग पर लैंड करे, तो जरूरी नहीं कि हर कोई आपके पास 1 गिग है तो उस पर लैंड करेगा। तो बेहतर है कि आप जितना आप गिग बना सकते हैं उतना गिग बनाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास गिग रहेगा उतना ज्यादा वो डिस्प्ले में आएगा। तो 7 गिग्स किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सर्विस को उसमें डालकर, उस चीज को रिलेटेड सर्विस को डालकर वहां पर आप अपने अकाउंट में पब्लिश करें। ये भी बहुत ज्यादा वर्क करता है नए अकाउंट को रैंक कराने के लिए, नए सेलर्स को नए ऑर्डर लाने के लिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि गिग कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सेलिंग पर आएंगे, सेलिंग पर आने के बाद गिग्स पर आएंगे, गिग्स पर आने के बाद क्रिएट ए न्यू गिग पर आएंगे, क्रिएट ए न्यू गिग पर आने के बाद यहाँ पर आप जो भी सर्विस देना चाहते हैं वो सर्विस दीजिए। चलिए आज मैं यहाँ पर एक कंटेंट राइटिंग का गिग क्रिएट करता हूँ। आई विल राइट SEO फ्रेंडली आर्टिकल आई विल राइट SEO फ्रेंडली आर्टिकल। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने आर्टिकल शब्द का इस्तेमाल किया है और SEO शब्द का इस्तेमाल किया है, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है आर्टिकल राइटिंग या कॉन्टेंट राइटिंग के फील्ड में, तो मैंने उस टर्म को यहाँ पर यूज किया। मतलब आपको टैक्टफुली सही शब्दों का चुनाव करना है और उसे अपने जो टाइटल है उसमें लिखना है। अगर आपको खुद पता नहीं कि क्या लिखना है तो आप अपने यहाँ पर जो भी है, सपोज आप यहाँ पर जाइए, आप जो भी गिग क्रिएट कर रहे हैं उस गिग के रिलेटेड जो भी दूसरे सेलर्स हैं उन्होंने क्या लिखा है वहां पर आप जाइए। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसने लिखा है आई विल रिसर्च एंड राइट। ये रिसर्च जो है, रिसर्च भी बहुत ज्यादा काम करेगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर रिसर्च वर्क भी मांगते हैं, तो आप यहाँ पर रिसर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल रिसर्च एंड राइट SEO फ्रेंडली आर्टिकल, ये भी हो सकता है। अब हम लोग चलिए इसे आर्टिकल्स में ब्लॉग सेक्शन में डाल दिया मैंने इसे। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक सिलेक्ट जो करना है, टॉपिक आप यहाँ पर अगर सिलेक्ट करते हैं तो क्लाइंट को डायरेक्टली पता चल जाता है आप किस किस फील्ड में आप लिख सकते हैं। तो आर्ट्स एंड कल्चर, ब्यूटी एंड फैशन, मैं जिस जिस फील्ड में कर सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अप टू 2 टॉपिक्स योर गिग, तो यहाँ पर आप 2 टॉपिक मैंने सिलेक्ट कर लिए, बाकी सब यहाँ पर डिम्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं अगर चाहूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा टॉपिक पर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर सजेस्ट आता है ये, जैसे कि वर्सटाइल, मैं यहाँ पर वर्सटाइल पर क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्यूटी एंड फैशन पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये दोनों हो गया। होने के बाद लैंग्वेज, आप लैंग्वेज क्या क्या जानते हैं, जैसे कि मुझे बंगाली आती है, मुझे यहाँ पे हिंदी आती है,
और ये इंग्लिश आती है, तो ये सब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। टोन, प्रोफेशनल, फॉर्मल यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशनल टोन सेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये मेरे पास जो आ रहा है गिग मेटा डेटा, ये अलग अलग गिग के लिए अलग अलग। अगर आप डेटा एंट्री करना है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन बदल जाएंगे, अगर आप लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस बदल जाएंगे, अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं तो ऑप्शंस बदल जाएंगे। तो ये कंटेंट राइटिंग रिलेटेड जो मेटा डेटा है वो यहाँ पर मैं इस तरह फिल कर रहा हूँ, तो वो आपको अपने हिसाब से आपको फिल करना है। सिलेक्ट द काइंड ऑफ आर्टिकल यू राइट, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको अगर कोई दूसरा कुछ सजेस्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, सजेस्ट करें उस चीज को, जैसे मैं ऑफ ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर टैग्स डालना है। टैग्स वो कीवर्ड है जिस कीवर्ड को, जो कीवर्ड आपके गिग को रैंक कराता है, तो टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिखूंगा आर्टिकल राइटिंग टैग, एक टैग लिख कर एंटर मारें, फिर एसईओ, एसईओ राइटर, आर्टिकल राइटिंग एसईओ राइटर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो लोग यहाँ पर टॉप परफॉर्मर हैं उन्होंने कौन कौन से टैग्स को इस्तेमाल किया है। चलिए इनका देख लेते हैं, ये प्रो सेलर हैं। तो इन्होंने जो टैग का इस्तेमाल किया है वो है आर्टिकल, ब्लॉग, फूड, कॉपीराइटिंग, कंटेंट। तो यहाँ पर एक और आप यूज कर सकते हैं, ब्लॉग, कॉपी राइटिंग, कंटेंट, राइटिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टैग ऐड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 टैग्स ऐड करने के लिए आपको परमिशन यहाँ मिलती है। उसके बाद हम लोग यहाँ बस सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमें आएगा प्राइसिंग पेज पर, आ जाएंगे हम लोग। प्राइसिंग पेज पर आने के बाद यहाँ पर मैं 3 पैकेजेस को ऑन करूँगा, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। तो बेसिक पैकेज पर मैं यहाँ पर लिखूँगा सपोज 400 वर्ड्स आर्टिकल, स्टैंडर्ड में मैं करूँगा 900 वर्ड्स आर्टिकल, और प्रीमियम में करूंगा मैं, स्टैंडर्ड में मैं 2 × 900 वर्ड्स आर्टिकल कर देता हूँ, और प्रीमियम में 5 × 4 × 2000 वर्ड्स आर्टिकल कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्क्राइब, ये एक्चुअली आपका जो स्कोप एंड प्राइसिंग में ये जो बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम है आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। और ये हुआ पहले जो मैंने लिखा वो था टाइटल, अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, यू कैन ऑर्डर 400 वर्ड सिंगल आर्टिकल ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर चॉइस, सेंड मी द कीवर्ड लिस्ट इफ यू हैव एनी। मैं चलिए इस सेम डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, यू विल ऑर्डर 2 × 900 वर्ड्स आर्टिकल ऑन एनी टॉपिक, ऑन द टॉपिक लिस्ट, ऑफ योर चॉइस।
उसके बाद यहाँ पकड़ूंगा, लॉन्ग एंड प्रीमियम आर्टिकल, लॉन्ग एंड प्रीमियम आर्टिकल, सुटेबल फॉर मैगजीन, मैगजीन्स एंड वेब ब्लॉग्स। फोर इंटू 2000 वर्ड्स। इसके बाद मैं यहाँ पर डिलीवरी टाइम सेट कर लूँगा कि ये मैं 400 वर्ड्स का जो काम दूंगा ये मैं 3 डेज में दूंगा या फिर 4 डेज में दूंगा। उसके बाद ये जो 2 × 900 वर्ड्स है ये भी मैं चलिए 5 डेज में दूंगा, और ये वाला मैं 6 डेज में दूंगा। वर्ड्स इंक्लूडेड जैसे कि मैंने बता ही दिया है यहाँ पर 400, ये 1800। अच्छा, जैसे रिवीजन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अनलिमिटेड रिवीजन ही दूंगा क्लाइंट्स को, जैसे क्लाइंट्स हैप्पी रहे और मुझे भी नेगेटिव जो फीडबैक है वो कम मिले, जैसे कि मेरा प्रोफाइल अच्छी तरीके से रैंक कर सके। और ये हो गया 8000 वर्ड्स का पैकेज। कीवर्ड्स, फोकस कीवर्ड, चलिए 400 वर्ड्स में अगर हम लोग यहाँ पर मैं 4 या 5 यहाँ पर कीवर्ड्स मेंशन करता हूँ, क्लाइंट यहाँ पर जैसे जैसे कीवर्ड सेट करेंगे 7 7। टॉपिक रिसर्च, आप खुद टॉपिक रिसर्च करके देते हैं कि नहीं इसको आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना। अगर आप टॉपिक रिसर्च नहीं करते हैं, क्लाइंट से आपको टॉपिक चाहिए तो इसे टिक मार्क मत लगाइए, और ना आप अगर खुद टॉपिक रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर टिक मार्क लगाइए। मैं यहाँ पर इन तीनों में टिक मार्क लगा देता हूँ, साइटेशन एंड रेफरेंस कि आप किस साइट से किस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, डेटा चार्ट की जरूरत नहीं है। प्राइस, प्राइस में मैं 400 वर्ड्स के लिए फिलहाल मैं यहाँ पर $35 रखूँगा, क्योंकि मुझे जानता क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरीके से गिग्स को सेल किया जाता है, तो मैं ये कर पाऊँगा, मैं $35 में कॉन्फिडेंटली रख पाऊँगा। और 900 वर्ड के लिए मैं यहाँ पर $60 रखता हूँ, और ये 2000 वर्ड्स इसके लिए मैं 350 डॉलर, इसके लिए मैं $350 सेट करता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसका रेट इंक्रीज करना चाहूँगा 85। इसके बाद ये थोड़ा एडिशनल फील्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। एडिशनल वर्ड्स आप अगर देते हैं तो आई विल चार्ज डॉलर, जैसे कि मैंने यहाँ पर $35 चार्ज किया है तो आई विल चार्ज $20 एडिशनल $400 के लिए। इसके बाद मैं $20 चार्ज करूँगा। इसके बाद दूसरे ऑर्डर में मैं यहाँ पर इसके बाद एक्स्ट्रा 900 वर्ड के लिए मैं $55 चार्ज करूंगा, और आई विल चार्ज यहाँ पर मैं $300 चार्ज करूंगा। $300 चार्ज करूंगा मैं एडिशनल,
ये मैं $170 चार्ज करूंगा, हाँ, एडिशनल 100 वर्ड के लिए। इसके बाद अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना पड़े, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट किया है 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, अगर एक्स्ट्रा 5 डिलीवरी मुझे करना पड़े तो मैं यहाँ पर बेसिक 4 डेज की जगह मैं 2 डेज में डिलीवर करूँगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा उसके लिए मैं $50 चार्ज के लिए मैं लिख सकता हूँ। स्टैंडर्ड के लिए मैंने यहाँ पर 5 डेज मांगा था, तो मैं ये 3 डेज में दूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर इसके लिए मैं $50 चार्ज कर सकता हूँ। और प्रीमियम के लिए मैं ये 4 डेज में, मैंने 6 डेज का टाइम लिया था, मैं 4 डेज में डिलीवर करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा $70 चार्ज करूँगा। रिवीजन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अनलिमिटेड दूंगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं करूँगा। आप चाहें तो आप अगर मान लीजिए 3 या 4 रिवीजन मेंशन करते हैं, तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए आप यहाँ पर पैसे मांग सकते हैं, लेकिन मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। स्टॉक फोटोज मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा। उसके बाद एड एक्स्ट्रा गिग, इसके बाद मैं एक्स्ट्रा अगर सर्विस देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आई विल टाइटल योर एक्स्ट्रा सर्विस, आई विल प्रोवाइड टू इमेजेस एसटीओसी के स्टॉक फ्री इमेजेस। मैंने यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ऐड गीक एक्स्ट्रास में मैंने यहाँ पर और भी गीक को ऐड किया, ऐसे 4 स्टॉक फ्री इमेजेस मैं दूंगा, तो उसके लिए मैं $40 लूंगा। एडिशनल मुझे कोई दिन की एक्स्ट्रा दिन की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू करने वजह से यहाँ पर शो कर रहा है पैकेज डिस्क्रिप्शन टू लॉन्ग, मिनिमम मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स, तो 100 कैरेक्टर्स के अंडर मुझे लिखना है। ऑर्डर फॉर सिंगल आर्टिकल ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। चलिए मैं इसे यहीं पर शॉर्ट कर देता हूँ, ऑन द टॉपिक लिस्ट ऑफ योर चॉइस। चलिए इसे भी मैं शॉर्ट कर देता हूँ, देखता हूँ। अब थोड़ा 7 कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ शो कर देगा। चलिए ये एक्सेप्ट हो चुका हमारा। इसके बाद अब ये डिस्क्रिप्शन, जो गिग का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था, जैसे कि सपोज किसी भी, यहाँ पर देखिए ये गिग का डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या क्या प्रोवाइड करेगा, क्या नहीं प्रोवाइड करेगा, इस तरीके से। तो कोई भी राइटर का मतलब कोई भी गिग बनाएंगे आप, तो उसका गिग का एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अलग अलग गिग्स का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि तब तो मैं इसका वाला अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पर जैसे कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन नजर आएगा कुछ इस तरीके से कि वो क्या क्या देगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में दिया, ऑल माई कॉन्टेंट इज 100% कॉपीज के पास्ट। तो मैंने फिलहाल कोई डिस्क्रिप्शन सेट करके माइंड में नहीं रखा है, तो मैं फिलहाल इसका कॉपी करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कॉपी आप बिल्कुल मत करें आप यहाँ पर, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए अभी मैं अगर सोच कर लिखने चाहूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो मैं इसका कॉपी कर रहा हूँ, और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो को ख़त्म होते ही मैं इस पूरे डिस्क्रिप्शन को एडिट करके मैं इसे अपने तरीके का कर लूँगा, जिससे कि ये मतलब कॉपी इसके पास कर जाए और ये डुप्लीकेट ना हो। वरना अगर ये जो सेलर है ये अगर कभी कंप्लेन कर दिया फाइवर को, तो मेरा अकाउंट बैन भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ बस ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी इसको सोचने के लिए, लिखने के लिए वक्त लगेगा, आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट उनका कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और ये वीडियो खत्म होने के बाद ही मैं इस पूरे कंटेंट को मैं एडिट करके अपने तरीके से नए तौर पर मैं लिखूंगा। तो जो भी हो, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे बोल्ड किया था। जैसे कि इसे आप पूरा सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर देखिए बी का ऑप्शन है बोल्ड, और अगर आपको कलर भी करना है तो आप ये जो मार्कर है इस मार्कर को क्लिक कर दें तो ये कलर हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए अब ये हल्का सा कलर में आ चुका है। तो आप यहाँ पर बुलेट का अगर कुछ यूज करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर बुलेट टेक्स्ट अगर यूज करना चाहूँ, तो मैं इस बुलेट पेजन से यूज कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, इस तरीके से आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके बुलेट पॉइंट कर देता हूँ। आप चाहें तो इसे नंबर भी कर सकते हैं, इस तरीके से नंबर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि आप जब गिग बनाते हैं तो क्लाइंट
क्लाइंट बार बार हर क्लाइंट एक ही तरीके का सवाल आपसे पूछते हैं, क्या आप ओरिजिनल काम देंगे, क्या आप मतलब मुझे सोर्स फाइल देंगे, क्या पीडीएफ में देंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में देंगे। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं जो कि हर क्लाइंट पूछते हैं। तो वहां पर आप ये फ्रीक्वेंटली एड क्वेश्चंस में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आप क्या आपके पास अगर बहुत सारे ऑर्डर क्यू में हैं तो क्या आप मेरा काम करेंगे। तो इस तरीके से जैसे कि मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया डिलीवरी फॉर्मेट, कि क्लाइंट को ये सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल जाएगा कि मैं डिलीवर करूँगा किस तरीके से, मैं एमएस वर्ड फाइल में फॉर्मेट करूँगा। और इफ यू विश आई कैन डेली इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये डिलीवरी फॉर्मेट, ये क्लाइंट के सामने ये आंसर क्लाइंट को जैसे मिल जाएगा कि अगर क्लाइंट जानना चाहे तो। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो चुका। उसके बाद आप एक और क्वेश्चन चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि पोस्टिंग पोस्टिंग द कॉन्टेंट ऑन द वेबसाइट, और मैं इसका आंसर है तो नो आई डोंट पोस्ट द कंटेंट ऑन, आई विल जस्ट डिलीवर द इन डॉक और पीडीएफ फॉर्मेट। मैंने इसे ऐड कर दिया। मैं चाहूँ तो एक और सवाल भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि यस यू कैन सेंड मी योर सिलेक्टेड यस एंड आई विल ऐड देम द कंटेंट। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक और सवाल भी, तो इस तरीके से आप जितना सवाल चाहें जो कि फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस में हो सकता है, तो आप उसे सेव एंड कंटिन्यू कर दें क्लिक करने के बाद। इसके बाद बारी आएगी रिक्वायरमेंट्स को, कि क्लाइंट से आपको क्या क्या चाहिए। तो क्लाइंट को आप यहाँ पर लिखिए कि प्लीज सेंड मी क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। टेक्स्ट फाइल में इसको रख दीजिए। आंसर इज मैंडेटरी, क्लाइंट को ये इसका आंसर देना ही है। इसके बाद एक और चीज रिक्वायरमेंट में आप क्लाइंट से पूछ लीजिए, हाउ मेनी आर्टिकल्स यू हैव ऑर्डर्ड इन दिस यू हैव रिक्वेस्टेड इन दिस ऑर्डर, कि आपने ये जो ऑर्डर प्लेस किया है आपने इसमें कितने आर्टिकल का ऑर्डर किया है। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, सपोज यहाँ पर जैसे कि मैंने 400 वर्ड्स का जो मेंशन किया है, क्लाइंट 800 वर्ड्स का ऑर्डर दे देता, तो ये समझ में आना मुश्किल होता है कि उसे एक आर्टिकल ही चाहिए या फिर उसे दो आर्टिकल चाहिए, एक आर्टिकल 800 वर्ड्स का या फिर दो आर्टिकल चाहिए उसे मतलब 2 × 400 वर्ड्स का। तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर आप ये कर सकते हैं। आप मल्टीपल आंसर यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पर मैं इसे टेक्स्ट में फ्री टेक्स्ट ही कर दूंगी। क्लाइंट यहाँ पर मेंशन कर देगा कि वो एक आर्टिकल है, दो आर्टिकल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड करते जाए कि यहाँ पर अब जैसे कि डू यू हैव एनी कीवर्ड लिस्ट, इफ यस प्लीज सेंड इट एज HTTPS। अगर आपके पास कोई कीवर्ड लिस्ट है तो आप उसे अटैचमेंट में सेंड कीजिए। तो यहाँ पर मैं अटैचमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे मैंडेटरी नहीं करता हूँ, क्योंकि क्लाइंट के पास नहीं भी हो सकता, तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये सारा का सारा ऐड हो गया। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू मैं कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, गैलरी, जहाँ पर कि हमें इमेज ऐड करना है। गैलरी में आप जितना ज़्यादा चाहें आप यहाँ पर इमेज ऐड कर सकते हैं क्लाइंट को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए। यहाँ पर जैसे बता दिया है कि आप इमेज ऐड कर देंगे जेपीजी
जेपीईजी और पीएनजी, ये तीन फॉर्मेट है आप यहाँ पर जैसे कि ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल कोई फोटो तो उस तरीके का है नहीं, तो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, आर्टिकल राइटिंग। चलिए मैं गूगल इमेजेस से ले लेता हूँ। गूगल इमेजेस से अगर आप कोई फोटो ले रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, कोई कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए आप टूल्स पर जाएं। टूल्स पर जाने के बाद यूजेस राइट में जाएं। यूजेस राइट में जाने के बाद लेवल फॉर यूज, ये जो इमेजेस है इसे आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप यहाँ पर लेवल फॉर रीयूज में आप यहाँ से कोई भी इमेज को आप पिक कर सकते हैं, या फिर आप अपना फोटोशॉप में आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सपोज मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, ये पिक्साबे, ये एक फ्री जो इमेज वाला वेबसाइट है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसे क्लिक करके, इसे कैप्चा यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करके मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर ब्राउज फोटो पे जाऊंगा। ब्राउज फोटो में जाने के बाद मैं यहाँ पर डेस्कटॉप से वो इमेज को पिक कर लूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज एडिट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो 50 MB का, 75 सेकंड्स का एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पर ये कर सकते हैं। आप कुछ सैंपल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर जैसे कि आप किस तरीके का काम प्रोवाइड करते हैं, आपका काम का आर्टिकल राइटिंग का क्वांटिटी क्वालिटी कैसा है, ये सब आप यहाँ पर पहले से ही आप सैंपल प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अगर कोई लोगो बनाते हैं तो लोगो को आप यहाँ पर अपलोड करें, तो अलग अलग यहाँ पर सैंपल अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। मैं चलिए यहाँ पर कुछ सैंपल अपलोड कर देता हूँ। चलिए मैंने एक सैंपल अपलोड कर दिया। मैं यहाँ पर दूसरा सैंपल भी, मैं यहाँ पर ऑप्शन है तो यहाँ पर एक मैं ये आर्टिकल का भी सैंपल अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद चेंजेस सेव्ड मुझे शो कर रहा है। आप चाहें तो इसे सेव एंड प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, या फिर आप गीक को पब्लिश कर सकते हैं। आप सेव एंड प्रीव्यू करके यहाँ पर देख लीजिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो भी लिखा था, ये मेरा टाइटल है, ये मेरा यहाँ पर जितने रेट्स जो यहाँ पर है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये यहाँ पर रेट्स शो कर रहे हैं, मैं क्या क्या यहाँ पर ऑफर कर रहा हूँ ये सब यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद मैंने जो यहाँ पर एडिशनल जो गीक से ऐड करिए, देखिए फ्रीक्वेंटली ऐड क्वेश्चन, एडिट क्वेश्चन ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब क्लाइंट जब यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसके बाद उसको एडिशनल गीक्स भी यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पर देखिए टैग्स आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक गीक को क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों का सवाल था गीक्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो फाइनली आपको यहाँ पर डन करना है। डन करने के बाद ये आपका एक्टिव गीक ये पब्लिश हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अगर जैसे कि यहाँ पर अपने अकाउंट में जाते हैं तो आप इसे क्लिक कीजिए, आपके यहाँ पर एक गीग आपको शो करेगा ये वाला। कोई भी क्लाइंट अगर आता है यहाँ पर तो वो इस क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद उसने जैसे कि ये चीज बिल्कुल उसके पास ओपन हो जाएगा। और आपको अगर मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि आप नए जब आप मैंने अकाउंट क्रिएट करते तो आपको 7 गीग्स क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर क्रिएट ए न्यू गीग जाकर आप दूसरा गीग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सेलिंग्स में जाकर फिर गीग्स में जाकर क्रिएट न्यू गीग्स आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट एक गीक बनाने का ट्यूटोरियल, गीक के ऊपर रिसर्च वर्क कि क्यों लोगों के गीक परफॉर्म कर रहे हैं, आपको क्या क्या ऐड करना चाहिए, गीक्स कैसे बनाना चाहिए, गीक्स का टाइटल कैसे लिखना चाहिए, गीक्स में प्राइसिंग कैसे सेट करना चाहिए, एडिशनल फीचर्स कैसे सेट करना चाहिए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा गीक्स को हमें क्लाइंट्स को देना चाहिए, कैसे ऑफर करना चाहिए, क्या डेडलाइन कम रखना चाहिए, ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जिस पर कि डिपेंड करता है आपके पास ऑर्डर कैसे आता है नहीं आता है। और एक बात का ध्यान रखें, आपने आज की क्रिएट किया और कल ही आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ऐसा रेयर केसेस में होता है, वरना आपको ये एक नॉर्मल बिजनेस की तरह आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको चेंजेस करते रहना पड़ेगा, आपको दूसरे सेलर्स जैसे मैंने दिखाया दूसरे सेलर्स के गिग्स पर जाइए, देखिए उन्होंने क्या ऑफर किया, देखिए उन्होंने क्या लिखा, देखिए उन्होंने टाइटल कैसे सेट किया है, आप अपने टाइटल्स को चेंज करते रहिए 2-4 दिन के अंतर अंतर। और सबसे बड़ी बात, आप दिन में कम से कम 10 से 15 बार अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए, बेवजह लॉगिन कीजिए, सर्फ कीजिए, इसका गिग उसका गिग देखिए, इससे आपको नॉलेज भी इंक्रीज होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जब घुसेंगे एंटर करेंगे 10-15 मिनट स्पेंड कीजिए, लोगों के गिग्स को देखते रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए। ये फाइवर के लिए ये नोटिफिकेशन होगा कि आप एक एक्टिव सेलर हैं,
और आपके लिए नॉलेज गैदर करने का एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो उसके बाद फाइवर खुद ब खुद आपके गिग को प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक तरीका है जिसमें कि आपका जो ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने दिखा दिया कि आपको अपने गिग में क्या करना है, कैसे करना है, इमेजेस को कैसे ऐड करना है, वीडियो को अगर वहाँ पर आप चाहते हैं वीडियो ऐड कीजिए, सैम्पल को ऐड कीजिए, आपने पहले से आप सैम्पल बना के रखिए ताकि कोई भी जो नया जो क्लाइंट है वो जब आपके गिग पर आए तो उसे ऑलरेडी सैम्पल भी पहले से नज़र आ जाए और वो सैम्पल को भी रीड कर ले। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे कि आप जो क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको मैंने बायर्स रिक्वेस्ट वाला सेक्शन एक दूसरे वीडियो में दिखाया है, उसे बिल्कुल देखिए आप। बायर्स जो सेक्शन है वहाँ पर जाके, चलिए मैं इस वीडियो में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए जैसे कि आप अगर सेलिंग में आते हैं, सेलिंग में आने के बाद यहाँ पर बायर्स रिक्वेस्ट में जाता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग रिलेटेड गिग्स बनाया है, तो यहाँ पर देखिए मुझे 10 ऑर्डर्स लेफ्ट यहाँ पर 10 ऑर्डर्स लेफ्ट दिखाया है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी कोई बायर्स रिक्वेस्ट यहाँ पर मेरे लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर बायर्स रिक्वेस्ट हो। मैंने अगर किसी क्लाइंट का कोई रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो इस बायर्स रिक्वेस्ट सेक्शन में यहाँ पर वो अपना रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल देगा और मैं और मेरे जैसे बहुत सारे सेलर्स उन्हें अप्रोच करेंगे। तो बायर को जिस सेलर का अप्रोच सबसे ज़्यादा अच्छा और स्ट्रांग लगेगा वो उसे ऑर्डर दे देगा। तो ये बायर्स रिक्वेस्ट वाला सेक्शन का जो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बिल्कुल यहाँ पर करना चाहूंगा कि बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा होता है कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, बहुत सारे सवाल के जवाब मैंने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, फिर भी मेरे पास रिपीट कॉमेंट आते हैं और वो कमेंट का क्वेरीज मेरे पास आते रहते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके मेरे चैनल पे फाइवर रिलेटेड जितने सारे वीडियोस हैं उन्हें देखिए, वहां पर मैंने डिटेल्स में बहुत कुछ बताया। आप लोगों का तो आधा से ज्यादा सवाल का जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपको कोई सवाल आपका पेंडिंग रह जाता है तो आप बिल्कुल मुझे सवाल सेंड कीजिए। मैं आप मुझे ईमेल पर मुझे सवाल सेंड कीजिए, gyanarjan.business@gmail.com आप यहाँ पर मुझे सवाल सेंड कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा। जाकर मेरे चैनल पर फाइवर रिलेटेड वीडियोस को सर्च कीजिए, देखिए यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब यूँ ही आपको नजर आएंगे क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लगभग 10 या 11 वीडियोज़ हैं और उसमें बहुत सारे डिटेल्स बताए हुए। तो इन सारे के सारे डिटेल्स का फ़ायदा उठाइए और अपने लिए फाइवर में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। और सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में आपको फिर से बता रहा हूँ कि फाइवर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला प्लेस है। मैंने लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाया कि 20 लाख 22 लाख रुपये मैंने 2-3 अकाउंट से दिखाया है यहाँ पर लाइव प्रूफ। उस वीडियो को भी देखिए और विश्वास कीजिए कि अगर आप यहाँ पर मेहनत कर सकते हैं, अगर आप दूसरे सेलर क्या कर रहे हैं वहाँ से कुछ सीख सकते हैं तो आप यहाँ पर कमा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज एंट्री किया कल कमाई होगी, लेकिन आपकी कमाई 1 महीने 2 महीने में अच्छे खासी कमाई चालू होने शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे फीडबैक आपका बढ़ता जाएगा, क्लाइंट्स का फीडबैक आता जाएगा, नए नए क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करते जाएंगे और आपका ऑर्डर का संख्या बढ़ता जाएगा और आप अच्छे से यहाँ पर पैसे कमा सकेंगे। तो एक्टिव रहिए, नए नए गिग्स क्रिएट कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, अपने स्किल्स को काम में लगाइए और यहाँ से फाइवर से पैसे कमाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, आपका ये वीडियो आपके कोई फायदे आपको फायदा पहुँचाया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक टू सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, या फिर इस वीडियो के नीचे भी रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख कर उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।